अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको रॉ पोटैटो कच्चे आलू से एक चिप्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है। इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं। दो आलू ले लें, उनको छील लें, छील के उनको काट लें, हमने इनको पीसना है, ठीक है। जैसे मर्जी रफली इसकी कटिंग कर लें। ये मैं दो आलू को अब ग्राइंडर में डाल के और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी। बहुत अच्छी तरह से आप इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। ये हमारे ग्राइंड हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। आप जितना कम पानी इसमें डालें वो अच्छा है। इसके बाद आधा खाने का चम्मच नमक डाल दें, 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर आप चिली फ्लेक्स शामिल कर दें। चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद 1/2 खाने का चम्मच क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा शामिल कर दें। उसके बाद इसमें 1/2 कप चावल का आटा शामिल कर दें। हल्के हाथों से आप इसको मिक्स कर लें। उसके बाद 3 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल कर दें। 3 खाने के चम्मच मैदा चला गया। उसके बाद आपने इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल लें। इसको आप अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और इसका एक डो रेडी कर लेना है। डो इसका इस तरह रेडी करना है कि इससे हम एक चपाती की तरह इसको पतला बेल सकें। बहुत अच्छी तरह इसको डो बना लें, आटे की तरह इसको गूंद लें। इसको आपने अराउंड 1 मिनट इसको आपने गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद इसको आपने रोटी की तरह पतली, एक रोटी जिस तरह होती है, जितनी पतली आप इसकी रोटी बना सकें उतनी पतली आप इसकी रोटी बनाएं। आप इसकी पतली जितनी रोटी बनाएंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। इसको आप बेल लें और जेनरसली आप इसमें मैदा डाल के इसको बेलें, क्योंकि ये हल्का सा नरम डो है इसलिए इसको मैदा डाल के बेलें ताकि ये अच्छी तरह इसकी पतली सी रोटी बन जाए। जब ये बन जाए तो आप इसको किसी भी गोल कैप या कटर से गोल गोल इसको कट कर लें। सारे आप रोटी में से जितने कट हो सकें गोल गोल वो कर लें। इसमें आपने फोक से अच्छी तरह सुराख बना देने हैं ताकि ये गोलगप्पे की तरह इनमें हवा ना भरे बल्कि ये चिप्स की तरह तले जाएं। अब आप इसको मीडियम हीटेड ऑयल में डाल लें और फ्राई कर लें। इनको हमने बहुत डार्क कलर नहीं देना, गोल्डन ब्राउन सा करना है इनको हमने। कोशिश करें ओवरलैप ना हो, जितने फ्राइंग पैन में इजीली अलग अलग आए वो डाल दें और इसको मीडियम हीट पे ही आपने पकाना है, लो टू मीडियम, बहुत हाई फ्लेम ना रखें इसका। जैसे ही ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो आप इसको टर्न कर लें और दूसरी तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन कलर दे लें। ये खाने में बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी होते हैं आलू होने की वजह से, ये इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। आप इसमें चाहें तो आप इसमें मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जिस जिस पे कलर आ रहा है वो होने दें, बाकी दोबारा दूसरी तरफ से टर्न करके इसको पका लें, दोनों तरफ से इनका कलर एक जैसा हो। जितने आप इसको रोटी को पतला बेलेंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे आपके। ये देखते जाएं जिस जिस पे कलर नहीं आया उनको पलट दें और जब दोनों तरफ कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें। और निकालते वक्त ध्यान रखें सारा ऑयल जब नीचे निकल जाए तो फिर आप इसको प्लेट में डालें। सारा ऑयल अच्छी तरह फ्राइंग पैन में निकल जाने दें। इस तरह आपने सारे निकाल लिए। दोनों तरफ से कलर आ गया इसलिए मैंने इनको भी निकाल लिया और एंड वाला भी निकाल लेते हैं। ये देखें हमारे कितने पतले हैं। ये मैंने बहुत पतली इसकी थिन लेयर बनाई थी, इसको बिल्कुल चिप्स की तरह की शेप में आपने पतला सा करना है।
उसके बाद मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। देखें ये किस कदर क्रिस्पी हैं, इसकी आवाज़ सुनें, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।